विवेक प्रसाद शौर है और मैं क्वायर बोर्ड में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ और मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने पेविलियन से। ये क्वायर बोर्ड का पेविलियन है, यहाँ पे हमारा जो थीम है वो है वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये मशीन है मिनी फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन है। इसमें हम क्या करते हैं, नारियल के छिलके से जो वेस्ट जाता है उससे जो है हम उसको कन्वर्ट करते हैं फाइबर और पिच में। कोको पिच मीन्स नारियल का जो बुरादा छिलके में दो कंपोनेंट होता है, एक फाइबर और दूसरा पिच। तो उस पिच से हम मैन्यूअल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ भी सॉयल की कमी है या फर्टाइल सॉयल की कमी है या जहाँ पर पानी की समस्या है वहाँ पर ये मैन्यूअल ईजीली यूज़ होता है, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉयल। तो यहाँ पे वाटरिंग की फ्रिक्वेंसी कम होगी अगर आप ये मैन्यूअल यूज़ करें। इससे लोगों को क्या रोज़गार मिल सकता है सर? लोग अपने यहाँ खुद लोकल जो भी, क्योंकि ये नारियल नॉर्थ में जो है नारियल ज़्यादातर लोग पीते हैं, लेकिन उसका जो हस्क है उसका यूज़ नहीं करते, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो ये लोकल जो है लोग अपने यहाँ छोटा मोटा एक मैन्यूअल बनाने का सेटअप कर सकते हैं, अगर उनके पास थोड़ी बहुत जगह है तो वहाँ पे वो खुद ही मैन्यूअल बना सकते हैं। और इसका जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेस्ट जो इससे निकलता है उसकी लागत कुछ नहीं है, लेकिन जब आप उसको मैन्यूअल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी लागत। इससे प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं सर? ये तो पिच के बारे में बताया मैंने, इसके बाद अगर आप फाइबर की तरफ आए तो फाइबर से जो है हम यार्न बना सकते हैं, और ये जो यार्न है बेसिकली उस यार्न से, एक तो यार्न डायरेक्टली मार्केट में यूज़ होता है, आप सेल कर सकते हैं, बाकी उस यार्न से आप फैब्रिक बना सकते हैं। ठीक है, ये जो आप ग्राउंड में जो एक कारपेट देख रहे हैं, ये कारपेट भी उसी फैब्रिक से बना हुआ है। एक आप जियो टेक्सटाइल देख रहे हैं, ये देखिए उधर उसी यार्न उसी रस्से से आप इस तरह का कपड़ा बना सकते हैं। और ये कपड़ा जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है रोड कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ये रोड की जो लाइफ है लॉन्जिविटी बढ़ा देता है। रोड की कहीं पे भी इरोशन हो रहा है, जहाँ पे वेजिटेशन कम है वहाँ पे सॉइल इरोशन को रोकने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंथेटिक्स का पहले यूज़ होता था, लेकिन आज के समय में हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वजह से जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो लोग रोज़गार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें बना। तो सरकार से क्या फ़ायदा है इसमें, मतलब सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट्स है अगर हम लोकल फॉर वोकल की बात करें तो? यस, ये क्वायर बोर्ड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं कि अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, कोई एंटरप्रेन्योर हो, तो उनको डिफरेंट तरीके से बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, जैसे लोन की व्यवस्था हो, सब्सिडी हो इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से क्वायर बोर्ड जो है वो क्वायर से रिलेटेड जो भी इस तरह के बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है उनको हेल्प करेगी हर तरीके से, ना सिर्फ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आपको कोई डेमोस्ट्रेशन चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए, उन सब चीज़ों में भी ये मदद करती है।